Hi guys, welcome to another video. And guys, today I will remove this gear knob from here. And the purpose of removing this gear knob is if you want to replace this gear knob with another gear knob. Okay, so it's pretty easy. Guys, ये मैं gear knob जो है इसको यहाँ से हटा दूँगा, मतलब इसको उतार दूँगा. और अगर आपने कोई और gear knob निकालना है जो आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे लगा देते हैं. ज़्यादा ऊँचा अगर होए या अगर ज़्यादा कोई थोड़ा lower लगाना है तो वो आप गियर नॉब लगा सकते हैं इसकी जगह पे, ये गियर नॉब उतर आता है. सही है, तो मैं आपको इसको उतारने का तरीका दिखाऊंगा. और बहुत सिंपल तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है. क्लॉकवाइज राइट साइड पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होता है. इस तरफ घुमाना है, ऊपर हाथ दबा के थोड़ा सा और उसको घुमाना है तो ये घूमने शुरू हो जाएगा. सही है, इसको दबाएं थोड़ा सा और ये घुमाना शुरू कर दें, इसको उतरने शुरू हो जाएगा. सही है, ये देखना ही उतर आया. ठीक है, अगर आपने इसकी जगह कोई और गियर नॉब लगाना है यहाँ पे तो वो लग जाएगा यहाँ पे. अगर छोटा लगाना है या स्पोर्ट्स वाला कोई लगाना है, कस्टमाइज़ करनी है गाड़ी, तो उसके लिए आप आराम से घर में लगा लें. आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल सा प्रोसेस है. और ये एक बेसिकली सिर्फ उसके ऊपर स्क्रू ऑन हुआ है. तो अगर आपने इसको अंदर से देखना है तो आप इसको उतार भी सकते हैं, इधर से यहाँ से खोल सकते हैं इसको. वो भी आपको दिखाया था मैं, लेकिन अभी देख लें कि आप यहाँ पे अब अपना नया गियर नॉब लगा सकते हैं. मेरे पास टाइम कोई पड़ा हुआ नहीं है, मैं आपको लगा कर दिखा दूँ. अच्छा गाइस, अगली चीज़, आप इसको अगर आपने खोलना है तो इसको आपने, ये जो प्लास्टिक पोर्शन है ये उतर आता है. और आप इसको अगर अंदर से आप क्लीनिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं. पूरा मैं नहीं खोलूँगा उसको, सिर्फ ये वाला पोर्शन खोल के दिखाऊँगा आपको. सही है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये प्लास्टिक वाला पोर्शन ख़राब हो गया है या ये ऊपर वाला पोर्शन ख़राब हो गया है, तो आपको पूरा गियर लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ले लें, ये टॉप ले लें, या ये नीचे वाला लेना है तो ये अलग से ले लें. आई थिंक ये अलग मिल जाता है. और अगर नहीं भी मिलता तो आप इसकी जगह पे कोई और पीस लगा सकते हैं. सही है, इसी के ऊपर ही अगर आपने ब्लू कलर का पीस लगाना है इस पर, या कोई और रेड कलर का गियर लगाना है इस पर, जिस तरह वो स्पोर्ट्स वाले मॉडल में आती है, जी एस वगैरह में जो आती है गियर आता है जो, तो अगर वो लगाना है तो वो भी लगाते हैं इस पर, तो कस्टमर कर सकते हैं. अब इसे खोलने का तरीका ये दिखाता हूँ आपको मैं. आपने गियर का फ्रंट, ये फ्रंट है, ये बैक है, यहाँ से आपने इसको, इस हाथ को आगे की तरफ लेके जाना है. सही है, ऐसे, और ये उतर आएगा. सही, तो ये उतर आया है. और आप इसका हेड भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट. अब वापस लगा दो इसी तरह. ये देखें, इसका अगला वाला जो हिस्सा है इसमें जाएगा ऐसे करके, और इसको वापस अंदर लगा दें. ठीक है गाइस, इस तरह अपना गियर चेंज कराते हैं. जहाँ पे जाके ये हार्ड हो जाएगा तो वहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है. अभी एक और रोटेशन रह गई है. ठीक है, ये ले, ये आपका गियर हो गया है. सही है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.